कीमत मानियो रे, नैनो कीमत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। हम सभी लोगों की बचपन से अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो कानों से सुनो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो आँखों से देखें उस पर विश्वास करना चाहिए। कभी कभी एक ऐसा समय आता है जब हमें जो आँखों से दिखता है वो भी सच नहीं होता, भ्रम का हिस्सा होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीता माता से रावण भिक्षा मांगने सन्यासी के भेष में आया। अगर वो दो आँखों से जो दिखाई दे रहा था उसके बियॉन्ड देख पाती तो इतनी बड़ी भिक्षा त्रासदी बच सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ दो आँखों से जो दिखाई दिया सन्यासी उसको माना और उसी भ्रम में आगे की घटनाएं होती रही। हम एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जिसमें आँखों से जो दिखाई दे रहा है वो सच बहुत बार नहीं है, झूठ होता है, लेकिन हम इस झूठ को तब भी नहीं देखना चाहते। एनी हाउ ह्यूमन का स्वभाव इस तरह कुंद होता जा रहा है कि जो सच बिल्कुल आँखों के सामने है उसको भी वो नहीं देखना चाहता। धृतराष्ट्र तो चलो अंधा है, उसको देख नहीं सकता, लेकिन पढ़े लिखे लोग जिनके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी एनी हाउ गंधारी की तरह अपनी आँखों में पट्टी बांध रहे हैं। ये इस समय में इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस आँखों से जो दिख रहा है उसके पीछे के सच को देखने और समझने की कोशिश करें। कुछ जो पिछले समय की घटनाएं हुई हैं उनको देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो 9/11 का अटैक हुआ, उस अटैक के इतने साल बाद भी कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो अटैक ऐसा नहीं था जैसा हमें दिखाया गया। कई वीडियो में क्लियरली दिखाई दे गया कि इस अटैक से पहले ही एक्सप्लोजन हुआ। जो वहाँ पे पाउडर मिला जिनसे कारें ढक गई थी वो इतना बारीक पाउडर हो गया था कि वो इस तरह के अटैक से नहीं हो सकता था। बिल्डिंग पाउडर की तरह हो गई थी सारी सीमेंटेड बिल्डिंग। जो लोगों ने रिसर्च की और उनसे पूछा गया कि क्या इसमें हार्प टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, तो उत्तर था कि हार्प टेक्नोलॉजी भी इसके आगे बहुत छोटी है जिस टेक्नोलॉजी से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था। लोग हार्प के बारे में अभी नहीं जानते। तुर्की में जो अर्थक्वेक आया इतने हाई मैग्नीट्यूड का, उसके बारे में कुछ वर्ड की पार्लियामेंट्स में क्वेश्चन उठे कि क्या वहाँ पे हार्प टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई। ये टेक्नोलॉजी है जिससे अर्थक्वेक और सुनामी क्रिएट की जा सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी अर्थ पे है और इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मीडिया जिस तरह प्रोजेक्ट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ताइवान में इसने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, एक ही न्यूज़ को बार बार दिखा रहे थे, वेयर एज दुनिया के और हिस्सों में या जो लोग ताइवान में रहते थे वहाँ पे उनको नहीं कोई अर्थक्वेक था। डराने के लिए ऐसी घटनाएं क्रिएट की जाती हैं। ऐसे ही युद्ध के सीन आँखों को भ्रम देने के लिए मीडिया क्रिएट करता है। बहुत सारे लोग अभी यूक्रेन की राजधानी कीव में गए, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुनिया में दिखाया जा रहा है, और आज से 2 साल हो गए अभी भी किसी को नहीं पता कि ये युद्ध किसने शुरू किया, क्यों किया और होता जा रहा है। सब इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब ये समय है कि हम इसके बियॉन्ड जा सकें अपने बच्चों को बचाने के लिए। पिछले 4 सालों में जो घटना हुई इस घटना से हम सीख सकते हैं। ये भी एक ऐसी घटना है जिसमें हमने आँखों से जो दिखाई दे रहा था उसको देखने के लिए अपने दिमाग को साइड में रख दिया। मेरी जनरेशन में, मेरे फादर की जनरेशन में जो लोग थे उन्होंने कहा कि हर साल में 2 बार फ्लू जैसी कंडीशंस आती हैं, लेकिन अब की बार इसको पूरे ग्लोबल लेवल पे करके इतना भयंकर डर फैलाया गया। और उस समय के जो डॉक्टर्स थे, कई डॉक्टर्स ने इसके अगेंस्ट जितने भी इंडिया में हायर अथॉरिटीज़ हैं इंक्लूडिंग PMO ऑफिस तक ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की कि ये ऐसा नहीं है। इसके बावजूद हमें वैक्सीनेशन के लिए फोर्स किया गया, ये हम सब देख चुके हैं। अब उसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, लोगों के घर में डेथ हो रही है, इसके बावजूद भी सब लोग शांत पड़े हैं। किसी कोई भी अपनी आंखें खोलना नहीं चाहता,
कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता कि ये भविष्य में ना हो। जो हो गया वो दुखदाई था, वापस वो नहीं आ सकते जो हमारे परिजन चले गए। लेकिन भविष्य में ना हो ये तो रोका जा सकता है, लेकिन भविष्य में रोकने के लिए भी मैकेनिज्म अभी तक नहीं बन रहा, ये दुखदाई है। आंखों से कैसे भ्रम पैदा होता है? मीडिया का पूरा कंट्रोल है। मैं छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। दिल्ली शहर में आसपास के 200-300 किलोमीटर के लोग इलाज कराने आते हैं जहाँ पे इलाज की फैसिलिटीज़ नहीं है। वो सारे एक डर की परिस्थितियों में इलाज कराने दिल्ली में आए। अगर डेथ हो गई तो बॉडी को दिल्ली से बाहर ले जाने की परमिशन नहीं है। सारी डेड बॉडियों को जो दिल्ली में इतने सारे शमशान घाट हैं वहाँ ले जाने की परमिशन नहीं है। एक तरह की बीमारी वालों को सिर्फ एक शमशान घाट पे ले जाने की परमिशन है। अब उस तरह के सारे लोग वहाँ पहुँच गए तो टीवी वाले देखो लाशों के ढेर लगे हैं, लाशों के ढेर लगे हैं, ऐसा प्रदर्शित करते हैं। आँखों को दिखाई दे रहा है, रियल आँखें तो नहीं है, ये तो खाली कैमरे की आँखें, और कैमरा जो भी भ्रम पैदा करना चाहता है वो दिखाता है। इसकी वजह से हम आँखों के बियॉन्ड नहीं देख पा रहे थे। सच दिखलाने वाली जो तीन आँखें हैं वो तीनों इस समय सबने बंद कर रखी हैं। मीडिया जो सिर्फ एक प्रचार तंत्र बन के रह गया है। किसका प्रचार? गवर्नमेंट्स का, अपोजिशन या पॉलिटिकल पार्टी, दोनों का प्रचार तंत्र। दोनों बंदवाया ना आती हैं क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो चलाने वाला है ये सारी उसकी कठपुतलियाँ हैं, और मीडिया उनका प्रचार करता है। सिर्फ एक ऐसा हमें भ्रम देता है कि मीडिया इस पार्टी का है या उस पार्टी का है। आज तक वाला बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, NDTV वाला अभी तक बीजेपी के अपोज करता था। ये कंट्रोल्ड अपोजिशन का ही हिस्सा है। अब ये समझ आ जाना चाहिए, अगर अपने बच्चों को बचाना है तो ये समझ आ जाना चाहिए कि मीडिया पूरी तरीके से जंगल में है, स्वतंत्र पत्रकारिता जैसी कोई चीज़ नहीं बची। सेकंड, जो सच बतलाना जिसकी जिम्मेदारी थी वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका देख के भी पिछले सालों में हमने देखा कि चुप रही और कोई उम्मीद भी नहीं है। अब जब साइड इफेक्ट भी आने शुरू हो गए तो भी कोई फर्क नहीं है। बेसिकली बस यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट होगा, न्यूज़ में आएगी, उसके बाद न्यूज़ खत्म हो जाएगी, किसी पे कोई एक्शन नहीं होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया और जुडिशरी तीनों ना हो तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उस केस में अगर किसी देश में आध्यात्मिकता है तो जो ये गुरु बन के लोगों को इस मैट्रिक्स से या माया से मुक्त कराने की बातें करते हैं, इनकी जिम्मेदारी थी सच बोलना, ये भी चुप रहे। नॉट ओनली चुप रहे, ये उन पार्टियों के साथ रहे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में जाते रहे, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार करते रहे। बड़े बड़े हैं उनके स्कूलों में, जिनके बहुत सारे स्कूल हैं गवर्नमेंट एडेड हैं, और ये स्कूल चलाना इनकी मजबूरी है क्योंकि भारत जैसे देश में धर्म के नाम पे ये डोनेशन नहीं ले सकते, तो स्कूल चैरिटेबल एक्टिविटी, चैरिटेबल हॉस्पिटल करना इनकी मजबूरी है। उन स्कूलों में यंग जनरेशन को ये लगा दी गई, पर्यावरण की बातें करते हैं, नदी बचाओ, बहुत सारे पेड़ लगा दिए, गिनीज बुक में नाम आ गया। क्या इनको अपनी आँख ऊपर दिखाई नहीं देता कि प्लेन से कैम ट्रेल हो रही है और ये एल्यूमिनियम और इस तरह के खतरनाक चीज़ें हवा में छोड़ी जा रही हैं? क्या ये कभी बोलेंगे? क्या ये जो लोगों को देशभक्ति की बातें कराने वाले, भगवा पहन के अपना सामान बेचने वाला, जिसका सामान भी सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी नहीं है, क्या वो कभी बोलेगा कि ये देश के लिए हार्मफुल था, युवाओं को स्वास्थ्य देने वाला? क्या कभी ये बोलेगा कि ये युवाओं के लिए सबसे डेंजरस चीज़ थी जो लगाई जा रही थी? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं, ये जमीन लेते हैं, सिर्फ इन्होंने भगवा झूठा धारण किया हुआ है। जब भी कभी गुरु भ्रष्ट हो जाता है तो वो समाज का पूरा पतन होता है। इस धरती पे अभी तक की एनर्जी एक निगेटिव या जिसको डार्क से डोमिनेटेड कह सकते हैं, जिसकी वजह से निसर्गदत्त महाराज जी जैसे बड़े गुरु, अगर आज भी आप उनका घर ढूंढने जाओ तो उस गली में उनका पता होने के बावजूद कोई ये नहीं बता पाएगा कि उनका घर कौन सा था। उनका प्रचार नहीं होता, सपोर्ट नहीं मिलता, उनको इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि सारा जगत माया और मैट्रिक्स है
और उसके बदले ये नकली गुरु हेलीकॉप्टर में घूमने वाले, इतने बड़े बड़े आश्रम बना के बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और मंत्रियों इनके पास जाते हैं, वोट का जरूरत होती है, अदरवाइज ये सब मिलके काम करते हैं। ऐसे धर्मगुरु हैं जिनको अपनी पब्लिसिटी के लिए फिल्म स्टार उनका इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू वो पॉपुलर होते हैं। और एक भ्रष्ट सिस्टम है जिसमें इनका एल्गोरिथम है, अगर आप यूट्यूब में वीडियो भी ना भी देखना चाहो, 100 बार भी उसको कर दो कि नॉट इंटरेस्टेड, तो भी उनका वीडियो सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि ये उसी सिस्टम के पोषित किए हुए गुरु हैं, उसी सिस्टम के बनाए हुए गुरु हैं। तो इन तीनों ने अपना रोल नहीं निभाया, इसकी वजह से ज़रूरत है कि हम अपनी आँखें खोलें। अपनी आँखें खोलने के लिए छोटे छोटे टिप हैं जो आपको आँखें खोलने में सहायक होंगे। जब भी कभी कोई ऐसी घटना हो जो ग्लोबल लेवल पे है, बहुत बड़ी है, अचानक हुई है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ऐसी न्यूज़ आना शुरू हो जाए तो आप सावधान हो जाएं कि क्या ये फ्रॉड हो सकती है, पिछली बार की तरह कोई छलावा हो सकती है, ये आपको बचाने में हेल्प करेगी, क्योंकि इनका जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ फियर, डर फैला के ही ये कर सकते हैं। अगर आप उस समय नहीं डरे और धैर्य रख सके तो ये नहीं डरा सकते। तो जब भी कभी ऐसी कोई घटना हो जो अचानक हो, सडनली, और उसको बारे में इतनी तेज़ी से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसलिए हमें ये मेजर्स लेने हैं, तब आप ये समझ जाएं कि ये कंट्रोल करने के लिए है। और उसके बाद अगर सारा मीडिया और सारे गुरु, फेक गुरु भी आ जाएं, तो आप 100% समझ लें कि ये प्लान्ड इवेंट है, पहले से प्लान करके अब इस टाइमिंग पे इसको लॉन्च किया जा रहा है। जब भी इवेंट लॉन्च किए जाते हैं तो उसकी टाइमिंग फिक्स होती है, वेरी प्लान्ड वे में ये इवेंट लॉन्च किए जाते हैं, और उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाता है कि लोगों की एनर्जी दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो, एट दैट मोमेंट वो उसको ट्रिगर करते हैं। उसके बावजूद भी हर कंट्री में उसके अगेंस्ट लोग डिस्कशन करते रहें, इस ऐसी कोशिश की जाती है। हमारे देश में जब पेंडेमी आई थी, आई तो पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे देश में डिवाइड एंड रूल ज़्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए तबलीगी जमात को टारगेट कर दिया गया, सारा डिस्कशन, सारी न्यूज़, उनको कहाँ से पकड़ा जा रहा है, वो कहाँ पकड़े जा रहे हैं, और उसके बैकग्राउंड में ये सारा इम्प्लीमेंट होता रहा। तो जब भी कभी ऐसा इवेंट हो, सावधान होने की ज़रूरत है। अब दो इवेंट भविष्य में हो सकते हैं जिसकी भूमिका इन्होंने तैयार की है। जो दो प्लान्ड इवेंट हैं, जो एनर्जीज जो लोग फील करते हैं या जो इन्फॉर्म्ड सर्किल के लोग हैं वो बताते हैं, एक है फेक एलियन इन्वेजन का, इस ब्रह्मांड में कहीं बाहर से कोई एलियन अटैक धरती पे हो रहा है, जिसकी वजह से धरती के सारी गवर्नमेंट्स को एक साथ होके उससे बचना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और चारा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेंडेमिक में किया था, सेम टू सेम, इतना ज़्यादा डराना, ये कैसे डरा पाएंगे? टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हैं कि ये बिल्कुल रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, युद्ध की रियलिटी भी तो क्रिएट कर देते हैं। सेम वे ये, इनके पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से ये कहीं पे भी कोई एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और वो बिल्कुल रियल होगा, कोई असली इन्वेजन नहीं है, सिर्फ उसका शो ये किया जा सकता है। जब ये इवेंट करना होता है तो इसकी भूमिका बनाई जाती है, इसकी भूमिका ये कई सालों से बना चुके हैं। जितने भी ये लोग यूफोलॉजी वाले हैं, इन सब की आप तैयारियां इसी डायरेक्शन में हो रही है। स्टीफन गियर बिल्कुल उसी फैमिली का डिसेंडेंट है जो फैमिली इस एजेंडाज को इम्प्लीमेंट करती थी, पिछले समय में वो फिर काफ़ी एक्टिव हो गया है। उससे एक इमेज बनी हुई है कि धरती के बाहर सभ्यताएं हैं और वो सभ्यताएं धरती पर अटैक कर सकती हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक व्हीकल है, कार है, ऐसे ही अंतरिक्ष में ट्रेवल करने के लिए एक व्हीकल है, UFO। अभी तक जितनी भी दिखाई देती हैं ये 80% धरती के बने हुए लोगों की हैं। धरती पर यह टेक्नोलॉजी है, सिर्फ हमें नहीं पता, एक नॉर्मल ह्यूमन को नहीं पता, लेकिन धरती के लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी है, जो बहुत, जिनको आप इलीट कह सकते हैं या जो धरती पे कंट्रोल करना चाहते हैं। उस में से जो कुछ भी अभी आपको दिखता है 80%, ये वही हैं। इसके अलावा जो असली हैं ETs की हैं, दूसरे ग्रहों की हैं,
वो अभी तक धरती पे प्रकट नहीं होती क्योंकि समय नहीं आया। तो ये उन्हीं को दिखाते हैं, उनका इन्होंने प्रोजेक्शन कर दिया है। इस तरह के स्टीफन गियर वगैरह की बातों से लोगों के अंदर एक उनकी इमेज क्रिएट है और क्यूरियोसिटी है, और उसको डर को अचानक फैलाने के लिए इनके पास एक फेक एलियन इन्वेजन का ड्रामा हो सकता है। सेकंड इशू है सोलर फ्लेयर। जब मैंने ये शब्द यूज़ किया था पहली बार तो कई लोगों ने शब्द नहीं सुना था, बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। अब धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई क्योंकि मीडिया में भी इसके बारे में बताना शुरू कर दिया है। सोलर फ्लेयर आ रही हैं, अब 11 मई को फिर धरती पे बहुत बड़ी क्वांटम की मैग्नीट्यूड की सोलर फ्लेयर एक्सपेक्टेड है। ये मैंने 4 साल पहले कहा था कि आने वाले समय में ये सन की एनर्जीज आएंगी, ये डार्कनेस को हटाएंगी, हमें सत्य को देखने के लिए तैयार करेंगी। लेकिन इसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है। कभी कभी ये कहते हैं कि हम सैटेलाइट लगाएंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर लोगों को डरा सकते हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, और सैटेलाइट से वो सन की एनर्जीज को आने के लिए रोक रहे हैं। ये तो एक अलग बात है। इस सोलर फ्लेयर के प्रचार में साइबर अटैक, मतलब कि इंटरनेट बंद हो गया और कम्युनिकेशन बंद हो गया, ऐसा भी किया जा सकता है। बैंकिंग ठप हो गई, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, सो ऑन, ऐसा डर फैलाया जा सकता है सोलर फ्लेयर के नाम पे। अगर ये दो इवेंट या इससे मिलता जुलता कोई भी इवेंट हो तो आपने क्या करना है? शांत रहना है, धैर्य से रहना है, इस ड्रामे को समझने की कोशिश करनी है और डर के बियॉन्ड देखने की कोशिश करनी है। जो आंखों को दिखाया जा रहा है उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करनी है। उस भ्रम के पार जो जा पाएगा वो मुक्त हो जाएगा। ये खत्म हो गए पैंडेमिक के 4 साल। कुछ लोग इसको लगा के बैठे हैं, उनके बॉडी में साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ मुक्त हैं, लेकिन वो समय तो खत्म हो गया। सेम टू सेम कोई भी ये ड्रामा करेंगे, झूठ ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकता, वो भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ कुछ उसके शिकार बन जाएंगे, कुछ उससे मुक्त हो जाएंगे, कुछ उसके थ्रू जाग जाएंगे। तो ये च्वाइस आपके पास है, इसीलिए ये एडवांस में ये वीडियो है कि आने वाले समय पे ऐसा कुछ हो तो आप अपने आप को प्रिपेयर हो सकें। अगर पेंडेमिक उनको पहले से इसी तरह बता दिया गया होता तो वो शिकार नहीं बनते, कुछ तो तब भी बनते, लेकिन कुछ लोग बचाए जा सकते थे। इस वीडियो का यही पर्पस है। अब आप जागें, अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो, और वो बहुत बड़ा आश्रम है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछें कि आप इतने बड़े हो, आपको ये तक नहीं पता लगता कि आसमान के ऊपर ये जो है इसके विरुद्ध आप कब बोलोगे, और अगर हमारे सोचने के तरीके में ये जहर आ गया तो हम कैसे इवॉल्व होंगे, सारी साधनाएं यहीं रह जाएंगी। इन बड़े गुरुओं के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, इन बड़े गुरुओं की मीटिंग का बहिष्कार करें, इनको बताएं कि हम जाग रहे हैं, उनके शिष्यों को बताएं, वो भी तो हमारे भाई बहन हैं, सिर्फ एक भ्रम में नहीं देख पा रहे या कॉग्निटिव डिसोनेंस है, देख सकते हैं लेकिन फिर भी उसी के साथ अटके हुए हैं कि नहीं हम गुरु के साथ ही रहेंगे, और पुरानी कंडीशनिंग भी है, किसी तरह डर भी है उनके अनकॉन्शियस माइंड में रहता है कि अगर गुरु का कि हमने गुरु की बुराई की तो हम नरक में जाएंगे। नहीं, आप गुरु की बुराई नहीं कर रहे, आप उस सन्यासी को देख पा रहे हैं जो सीता माता का हरण करने आया है। जो भी इसको देखेगा वो सत्य की ओर खड़ा रहेगा, अपने आप को बचा सकेगा, अपने बच्चों को बचा सकेगा। टीचर हैं तो टीचर होके सोचें कि आपके भी तो बच्चे हैं, आपके शरीर में जब ये लगा रहे हैं और आप अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपके बच्चों में भी तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर आप डीएम हो, डीएम बने हो, तो आप सोचो कि आपकी चेतना क्या कहती है, आपको किस तरफ रहना है। सेना में हो, पुलिस में हो, तो भी ये प्रश्न हर एक को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि वो धर्म या अधर्म में किस ओर रहेगा। और सेम वे इनका विरोध करें, क्वेश्चन पूछें, सारी मानवता इनके जाल में है, धरती पे अबेंडेंस हो सकती है, लेकिन सारा जो एक सिस्टम करप्ट सिस्टम है, इसमें जितने मर्जी आप टैक्सेस दे दें, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट रहे, ह्यूमन गरीब पे गरीब ही होता रहेगा, सिर्फ वही कुछ लोग फलते फूलते रहेंगे। ये एक इल्यूजन है, इस इल्यूजन से अब हम बाहर आ सकते हैं, और जो लोग इस रास्ते पे हैं उनको सपोर्ट करें। हम लोग पहले महाभारत देखते थे, उसका जो टाइटल सॉन्ग था बहुत अच्छा था,
सीख हम बीते दिनों से नए युग का करें स्वागत। अब समय है नए युग का स्वागत करने का, पुरानी गलतियों से सीखने का और इस नए को क्रिएट करने का। एक चीज हम सब कर सकते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस के बिना रियलिटी क्रिएट नहीं होती। ये सारा भ्रम जितना भी ये फैलाते हैं, ये सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस को प्रभावित करता है, डर को इम्प्लीमेंट करता है। फोकस हमारा एक ऐसे भविष्य की ओर जहाँ पे ह्यूमैनिटी खिल रही है, युद्ध और से परे सारे लोग हेल्दी हैं और एक नया सिस्टम प्रकट हो रहा है जिसमें ये करप्ट सिस्टम का सारा डिसफंक्शनल हिस्सा हट गया, वो रियलिटी क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इन 2025 वी विल हैव ए डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये आखिरी इलेक्शन हो इस भ्रष्ट गवर्नमेंट का, उसके बाद का सिस्टम, न्यू सिस्टम प्रकट हो जहाँ पे असली लोकतंत्र आ सके, लोग खुश हो सकें। ये समय की क्वालिटी है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, हमारे सब के साथ हो रहा है, तो इसमें कंट्रीब्यूट करें और इसका हिस्सा बने। इस वीडियो को पहले से स्प्रेड करें, जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन के रूप में स्प्रेड कर दी जाती है उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो कम से कम इन दो को तो हम रोक सकते हैं और आने वाले सभी को रोकेंगे, रोक सकते हैं। तो बस हमें थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना है, आँखों के पार देखने की आदत डालनी है। सो थैंक यू वेरी मच।